नमस्कार। गली से गलियारे तक, सड़क से मंत्रालय तक, हर खबर पर नजर आप देख रहे हैं नेटवर्क महानगर। मुंबई में अब महिला यात्रियों की सुरक्षा व रिक्शा चलन में महिलाएं निभाने जा रही हैं बड़ी भूमिका। आज अभिमान वाटतोय की मातोश्री बचत गटाच्या माध्यमातून आम्ही मीनाताईंकडे गेलो, विशाखाताईंकडे गेलो आणि त्यांना विनंती केली की आपल्या ज्या मातोश्री महिला बचत गटाची जी काही चळवळ चालू आहे, जे बचत गट आहेत त्याच्या अंतर्गत, तर या माध्यमातून आम्हाला महिला द्या, आम्ही रिक्षा युनियनच्या वतीने या सगळ्या महिलांना ट्रेनिंग देऊ आणि रावते साहेबांनी त्यांना परमिट्स मिळवून देण्यासाठी वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आणि ह्या सगळ्यांच्या एकंदर संयुक्तमाने हा जो परमिट्स मिळण्याचा जो कार्यक्रम आहे किंवा या महिलांना जे काही प्रशिक्षण देण्याचा जो काही कार्यक्रम आहे हा यशस्वीपणे पार पडला। रश्मीताई ठाकरे, महिला मातोश्री महिला बचत गट महासंघाच्या सचिव मीनाताई कांबळे, मला सांगताना आनंद होतोय, त्या महिला रिक्षा चालक तयार होत असताना आमच्या परिवहन खात्यामध्ये सक्षम महिला अधिकारी आहे, पुरुषांपेक्षाही सक्षम महिला अधिकारी आहेत आणि त्यांनी हे सर्व पाहायचं असं ठरवलं। पहिला विचार आमच्या राजन विचारेने आणला आणि तिथे पाटील नावाच्या आमच्या महिला अधिकारी आहेत, त्यांनी सर्व चांगली 10 दुसरा नुसत्या बॅच असलेल्या महिला चालवायची, 2 घरं चालतील, 2 महिलांचं शिक्षण ही संकल्पना। आणि मी तुम्हाला माझ्या सगळ्या भगिनी नाण्याला मुलींना एवढंच सांगतो की पुरुषांना शरण जाऊ नका, मी चालवेन आणि तुम्ही आपल्या जाऊन द्या तसं करू नका, तुम्हीच चालवा, एक चांगला रोजगार येईल, स्वतःच्या हक्काचा रोजगार येईल आणि मोठ्या संख्येने महिला ज्या आहेत अख्ख्या या मुंबईमधल्या तर तुमच्या रिक्षाची वाट बघत असतील, लक्षात तुमच्या रिक्षाची वाट। मुंबई में रिक्शा क्षेत्र में महिलाओं के प्रवास को अत्यंत सुरक्षित बनाने की दृष्टि से महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की योजना के अंतर्गत मुलुंड के संभाजी राजे सांस्कृतिक भवन में रश्मि ठाकरे के हाथों अनेक महिलाओं को रिक्शे की चाबियां सौंपी गई। इस अवसर पर परिवहन मंत्री दिवाकर रावते भी उपस्थित थे। महाराष्ट्र रिक्शा चालक सेना की ओर से राजेंद्र देसाई ने कहा है कि रिक्शा सेवा क्षेत्र में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास किया जा रहा है। मैं एक सांगेन महिला कि जे महाराष्ट्र शासनाने आणि परिवहन मंत्री दिवाकर रावते साहब यांनी 5% महिलांना रिझर्वेशन केलेलं आहे, त्या आरक्षणाचा फायदा महिलांनी घ्यावा यासाठी महाराष्ट्र रिक्षा चालक सेना आणि मातोश्री महिला बचत गट यांच्या माध्यमातून हा कार्यक्रम उपक्रम आम्ही राबवलेला आहे आणि त्याचा आज हे फळ आलेलं आहे। गेले 8 महिने आम्ही या महिलांना ट्रेनिंग देत आहोत आणि RTOचं लायसन्स, बॅच, परवाने हे सगळं झालेलं आहे आणि आज उद्यापासून गुढीपाडव्याच्या शुभ मुहूर्तावरती या महिला रस्त्यावरती दिसतील।
आज इथे आमच्या बरोबर रिक्षा चालक आज आमच्या बरोबर इथे आलेले आहेत. आम्ही आपण त्यांच्याशी संवाद साधूया. काय सांगाल, काय काय सांगतात ते त्यांच्याशी आपण संवाद साधूया. काय सांगाल, आज महिला पुढे आलेल्या आहेत, त्यांच्यासाठी एक रिक्षाचा उपक्रम राबवला जातो आहे, तर किती ह्याच्यामध्ये महिलांना एक महत्त्व दिलं जातं आहे, काय सांगाल? आज काय माहिती आहे, महिला प्रत्येक क्षेत्रामध्ये आज महिला प्रत्येक क्षेत्रामध्ये जर पुढे आल्या तर खरोखरच आम्हाला अभिमान वाटतो. आज महिला जर रिक्षा चालवतात तर आम्हाला अभिमान आहे की आमच्या बहिणीसुद्धा रोडवरती आल्या आमच्याबरोबर आणि खांद्याला खांदा लावून जर आमच्याबरोबर. परिवहन मंत्री दिवाकर रावतेजी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं. आइए हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं सर क्या कहना चाहेंगे. आज महिलाओं को ध्यान में रखकर यहाँ पर रिक्शा बांटने का काम किया गया है, कितना इसका फायदा आने वाले दिनों में महिलाओं को होगा? मैंने जिस दिन रिक्शा की सोडत निकाली थी उसी दिन 5% का आरक्षण महिलाओं के लिए जारी किया था. मेरे हिसाब से कम से कम 400-500 महिलाओं का अर्जी आ भी चुकी है, उन सबको मिलेगी. लेकिन उसको रिक्शा भी सीखनी है, रिक्शा ट्रेनिंग लेना है, बैच लेना है, ये सब प्रावधान और ये सब सुविधा हमारे परिवहन खाते से हमने उनके लिए तुरंत करने की कोशिश सब जो बंदोबस्त किया हुआ है. अभी जितनी महिला ट्रेनिंग लेके आ गया थे उनको बैच और परमिट भी मिलेगा, जिसके लिए काफ़ी भीड़ रहती है महिला के लिए, लेकिन तुरंत मिलने वाला है. जो जो महिला सीखेगी, इसका प्रारंभ ये थाना में हुआ. 4 महीने पहले से मेरे परिवहन खाते की जो महिला अधिकारी है वो सब इसमें सब खुद ध्यान देते हुए महिलाओं को सिखाती है, उनको मार्गदर्शन करती है और महिला सक्षमता से अभी परमिट लेके पहला माननीय उद्धव जी ठाकरे जी के नेतृत्व में पहला 50 महिलाओं को जो चाबी दी गई वो थाना में दी गई. आज मुंबई का पहला ये समारंभ है जहाँ अनिल परब हमारे सहकारी आमदार है और ये रिक्शा यूनियन के महासंघ के प्रमुख है, उनके माध्यम से ये उपक्रम अभी शुरू हो रहा है. सर अभी आपने कहा था एसटी में भर्ती की बात की गई है, कब तक ये होगा और कितना फ़ायदा आने वाले दिनों में महिलाओं को मिलेगा? भर्ती की अभी मैंने भर्ती जो की है, भर्ती की जो एडवर्टाइजमेंट भी उसको 5.5 लाख अर्जी आए हैं और ड्राइवर के लिए 27,000 अर्जी है, उसमें 500 महिलाओं का अर्जी आया है. महिला अवकाश में जाती है, महिला हवाई जहाज चलाती है, महिला चार फोर व्हीलर चलाती है, महिला टैक्सी भी चलाती है, महिला अभी रिक्शा भी चलाएगी. तो महिला ट्रक क्यों नहीं चलाएगी, मिलिट्री में तो चलाती है. तो मैं ड्राइवर कम कंडक्टर के जायोटी राज में 500 महिलाओं ने अर्जी की है, उनमें जो पास हो जाएगी वो हमको हमें ड्राइवर करके मिलेगी. वो ट्रेनिंग के बाद सबको पहले ही टाइम आखिर पूरे हिंदुस्तान में पहले ही टाइम सार्वजनिक उपक्रम में जहाँ एसटी चलते हैं वहाँ महिला ड्राइविंग करते हुए दिखेगी. सर क्या कहना चाहेंगे, और काफ़ी महिलाएं हैं जो अभी भी घर पे बैठे हुए हैं, उनको भी रोज़गार चाहिए लेकिन अभी भी आज भी उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, इसके वजह से आज एजुकेटेड लोग भी रिक्शा चलाने के लिए आगे आए, तो ये कितनी एक बेरोज़गारी दिखाई दे रही है, जिससे और क्या क्या ऐसे जो काम होंगे जो लोगों के लिए महिलाओं के लिए सामने आएंगे, क्या 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 करना चाहेंगे? ये शिवसेना का मातोश्री महिला बचत गट जो है उसके माध्यम से आज हम महाराष्ट्र रिक्शा चालक सेना की ओर से आज महिला सक्षमीकरण का कार्य शुरू किया है और मुझे लगता है कि ये जितना रिजर्वेशन महाराष्ट्र स्टेट में महिलाओं के लिए रखा है वो पूरे के पूरा उसकी उपलब्धियाँ ये मुंबई की महिलाओं को शिवसेना कर देगी. सर सुरक्षा की बात अगर देख की जाए तो किस तरीके की सुरक्षा महिलाओं को, जो जिस तरह से अभी रिक्शा के लिए उतरने वाले हैं तो सुरक्षा का भी एक बड़ा मुद्दा है, किस तरीके का होगा? सुरक्षा का एक मुद्दा तो है कि इनके नॉर्म्स अलग है और वो होने के बाजू में मुंबई में पूरी जगह शिवसैनिक भी है. अगर इस रिक्शा के बारे में अगर कोई सुरक्षा का इशू आता है तो हमारे शिवसैनिक पूरे मुंबई में फैले हुए हैं, वो उनको सुरक्षा भी दे सकते हैं. आपने देखा कि जिस तरीके से महिलाएं आज सक्षमीकरण आगे आ रहा है और महिलाओं की ताकत एकजुट होकर महिलाओं के लिए भी एक नई उपलब्धियां बाहर आ रही है और जिस तरह से महिलाओं को भी प्राधान्य दिया जा रहा है जो आम लोगों को दिया जाता था, आज महिलाएं भी कहीं कम नहीं है. आने वाले दिनों में और भी महिलाओं के लिए उपक्रम लाए जाएंगे जिसका पूरा फायदा आने वाले दिनों में महिलाओं को होगा. कैमरामैन सुरेश के साथ में स्टीवन जॉन, नेटवर्क महानगर मुंबई.